Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, "You told me so." Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, "You told me so." Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, "You told me so." Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, "You told me so." Everybody asked me how I know. I smiled at them and तो देखते हैं कि उस मॉडिफिकेशन में क्या है। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और सब लोग सो चुके हैं। यहाँ पे मेरा साइकिल रखा हुआ है जो कि हाँ हीरो ऑक्टेन, और इधर मेरा वो सेटअप रखा हुआ है, हाँ राइट दिस वे, यहाँ पे मेरा सेटअप रखा हुआ है। सेट को दिखाता हूँ कि वो मैं क्या बना रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि आप मैं अपने बड़ी टेक फैमिली के साथ भी शेयर करूँ, तो उसे देखते चलिए शुरू करते। सो गाइस यहाँ पे सॉकेट रखा हुआ है जिससे मैं पावर सप्लाई दूंगा, और ये पूरा सेटअप निकाल कर रखा है। इस सेटअप को मैं फिटिंग कर लेता हूँ चले से, लेकिन मैं उस सेटअप को यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक लैपटॉप का पुराना स्क्रीन रखा हुआ है जो कि टूटा हुआ है, पुराने पार्ट्स को यहाँ पे रखा हुआ है। लैपटॉप टोटली ख़राब डैमेज हो चुका है, लेकिन मैं सोचा कि इस ये जो मदरबोर्ड है अच्छा कंडीशन में, और इसका ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क से देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, इसे हम लोग पोर्टेबल हार्ड डिस्क जैसे भी काम कर सकते हैं, मतलब कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं डाटा को स्टोर के, जो फिलहाल वो अलग सी बात है। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पे पेल्टियर मॉडल यूज़ किया है, TEC मॉडल यूज़ किया है, जिसको यूज़ करके मैं कूल करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सेटअप मैंने बनाया है। यहाँ पे देख सकते हो जो व्हाइट कलर का एक थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, थर्मल पेस्ट लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो। इसके नीचे ही एग्जैक्टली इसके नीचे ही प्रोसेसर रखा हुआ है जो कि सेलरॉन का एक प्रोसेसर है, और यहाँ पे मैंने पेपर को काट के, हार्ड पेपर को काट के ये बनाया है, ये पीस बनाया है जिसके ऊपर मैं अपने इसको माउंट करूँगा। और यहाँ पे TEC मॉडल का आप देख सकते हैं जो नीचे की साइड है वो कोल्ड है, ऊपर का साइड हॉट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जब मैंने किया था तो बहुत ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो मैं इस सेटअप को वापस कर देता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम करता है। तो फटाफट से इसको चालू कर देते हैं। ये कुछ स्विच है जो कि देख सकते हो, इन स्विच का यूज़ करके मैं क्या बोलते हैं इस मदरबोर्ड को कंट्रोल करेंगे। ये इसका स्विच है, मतलब जो कि कंट्रोल पैनल का स्विच है, ये LED का बोर्ड है जहाँ पे LED लाइट्स ग्लो करते हैं। तो अब इसके बाद पहले हम इसको सेट करते हैं, कॉर्ड जिसे हम कॉर्ड पे करेंगे, 11 वोल्ट का कॉर्ड है। और मॉनिटर को दिखा दूँ तो ये था मॉनिटर। तो सोचो इसे कुछ करने का सोचा कि अलग से वायरिंग है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देख सको तो मेरा फुल सिस्टम, फुल मदरबोर्ड, फर्स्ट आइटम विदाउट TEC मॉड्यूल। पहले हम बिना TEC मॉड्यूल से इसको चालू करके देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, कितने देर तक ये सिस्टम रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये प्रोसेसर अगर गर्म हो जाए तो ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो गाइस फर्स्ट आइटम होगा कि बिना TEC मॉड्यूल का, मतलब बिना कूलिंग सिस्टम से हम इस मदरबोर्ड को चलाएंगे, देखते हैं कितना देर तक ये स्क्रीन को चालू करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अभी आ चुका है, ऐसे शुरू कर रहा है, देखते हैं कितना देर तक काम करते हैं बिना कूलिंग सिस्टम के। और
प्रोसेसर भी गर्म हो रहा है, लेकिन प्रोसेसर में होता है क्या कि जितना हीट होता है उसमें क्रॉस करने के बाद ही वो सिस्टम को डाउन कर देगा, मतलब सिस्टम हीटिंग ऑफ हो जाएगा। डायरेक्टली अभी शो कर रहा है बोर्ड में कि क्या शो कर रहा है, चलिए देखते हैं। सो गाइस अभी आप मेरे बोर्ड में शो कर रहे हैं नो बूटेबल डिवाइस दिखा रहे हैं, नो बूटेबल डिवाइस इंसर्ट बूटेबल डिवाइस, लेकिन यहाँ पे जो दिख सकते हो हार्ड डिस्क में मिलते हैं ये पता नहीं क्यों किस कारण से ये बूटेबल डिवाइस शो कर रहा है, लेकिन हमें देखते बिना टीवी मॉडल से किसी तरह से काम करता है, काफ़ी देर तक चल जा रहा है। सिस्टम बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। सिस्टम को बंद हो चुका है विदाउट फैन कूलिंग सिस्टम, तो सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चल पाया, एटलीस्ट एक मिनट तक सिस्टम ऑन था, उसके बाद ये कंप्यूटर पर ऑटोमेटिक शट डाउन हो चुका है। लेकिन हम लोग अभी ये इस फैन का यूज़ करेंगे, फैन का यूज़ करेंगे ताकि हमें जाते ही टीसी पार्क साइड गर्म होता है, अगर इस जो गर्म साइड उसको कूल करेंगे तो वो कोल्ड साइड को भी गर्म होना शुरू कर देगा, तो टीसी को इफेक्ट ना करने के लिए हम ये कूलिंग फैन का यूज़ करें। तो मेरे हाथ में जो भी देख रहे हैं थर्मल पेस्ट, तो थर्मल पेस्ट को मैंने यहाँ पर लगाया जिससे कि जो कॉन्टैक्ट होता है मटेरियल के साथ वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि जो अगर गैप साइड आएंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, अगर हम थर्मल पेस्ट यूज़ करते हैं तो हीट ट्रांसफर ऑन हो जाता है, प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं ट्रांसफर को। तो वैसे ही थर्मल पेस्ट प्रोसेसर और कोल्ड जो प्लेट रहता है टीसी का दूसरे साइड में भी लगा दिया, तो ये शुरू करते हैं प्रोसेसर के साथ, मतलब फैन को फिटिंग करते हैं। सो गाइस फैन को फिटिंग करते हो, सो यहाँ पे देख सकते हो कि थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, इसलिए अगर मैंने पहले से सेटअप बना के रखा है तो मुझे इसको प्लग कर लिए। सो काफी अच्छा कॉन्टेक्ट हो चुका है, तो ये सिस्टम बन चुका है, हम लोग इसे पावर सप्लाई देंगे। हम लोग का यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का जो बैटरी है, हम लोग इसे पावर सप्लाई देंगे, यहाँ पे दो वायर निकाल के रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि फैन को और टीसी मोटर को पावर करेगा, तो फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे मेरा बैटरी है, इस बैटरी से हम लोग जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसे पावर देंगे, तो फटाफट से कनेक्शन लगा देंगे। और जैसे कि अभी देख सकते हैं सिस्टम ऑन हो चुका है, मतलब हवा ऊपर की तरफ से दे रहा है, मतलब हीट को अभी निकालेगा, तो पहले चेक कर लेते हैं नीचे को, नीचे भी चेक करना ज़रूरी है कि हम लोगों का वो दूसरा साइड कूल हो, पता चलेगा कि हम लोगों का कि दूसरा साइड कूल हो रहा है कि नहीं। सो गाइस हम लोग नीचे का सिस्टम कूल हो रहा है, मैंने अपने हाथ से टेस्ट किया, जब टेम्परेचर डिफरेंस था तो ऊपर की तरफ हॉट है नीचे की तरफ कूल हो रहा है, तो सिस्टम में काम कर हम लोग भी सिस्टम को ऑन करके देखें, मदरबोर्ड को ऑन करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। अगर सो गाइस ये रहा सिस्टम, ये ऊपर का स्विच, मैंने उधर जब कैमरा को रखा था माउंट किया था तो शायद सबको दिखा नहीं होगा, तो ये रहा स्विच, मैं ऊपर के स्विच पे क्लिक करता हूँ और इंडिकेटर जो कि अगर आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है, मतलब मदरबोर्ड ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड ऑन है और इन्फॉर्मेशन क्या देता है देखते, काफ़ी कूल सिस्टम है। और मैं बोलूँगा अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, अगर जिसका हार्ड ड्राइव खराब है, आप चाहते हो कि आपके पास कुछ अलग सा सिस्टम हो, तो कुछ ऐसा ऐसे सिस्टम बनाइए ताकि कुछ अलग हो, क्योंकि अगर आप कूलिंग सिस्टम, अगर ऑयल कूलिंग सिस्टम या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के लिए जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, अगर आप पेल्टियर मॉड्यूल का अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, अगर पेल्टियर मॉड्यूल से अगर ऐसा सिस्टम बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम उसके साथ कंपीट कर सकता है जो हम लोग का जो टीसी मॉडल सिस्टम है, तो टीसी मॉडल मैं मानूंगा अगर आप टीसी मॉडल यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो गाइस ये सेम चीज़ शो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले जो कि एक मिनट तक चल रहा था, ये काफ़ी दूर तक चल रहा है, जैसे 5-10 मिनट, मैंने इसे पहले भी 1-2 घंटे तक लगाया सिस्टम को, सिस्टम काफ़ी कूल रहता है। तो ये जो छोटा सा मेरा एक मॉडिफिकेशन मेरे मदरबोर्ड के साथ जो कि मैं आपको शो करना चाहता था, तो आई होपफुली आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा, और कमेंट करिए यार, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, ये मतलब जो मॉडिफिकेशन टीसी मॉडिफिकेशन, अगर टीसी नहीं चाहते तो पेल्टियर मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा इस मदरबोर्ड पे, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और मैं तो पूरे इसके लिए अलग से कैबिनेट बनाऊंगा जिसमें मैं अपना सिस्टम को रखूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा पूरा सिस्टम चला के दिखाऊंगा टोटली विंडोज़ के साथ। तो आज के लिए इतने एंड मैनेजमेंट की वेटिंग थिंग्स टाटा।